समस्याओं के समाधान के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो भी संकल्प लिए उसको साकार किए, जो गारंटी दिए उसको पूरा करने का प्रयास हम लोगों के माध्यम से वो गारंटी पूरा करने का आगे का अभियान भी है। जो संकल्प दिखाई पड़ रहा है यही विकसित भारत, विकसित बिहार बनाने का सपना साकार करेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, आपने देखा है कि बिहार विधानसभा का जो बजट सेशन था इस बार काफ़ी हंगामेदार रहा है। आपको मालूम है कि गठबंधन में से 7 विधायक अपना पाला बदल लेते हैं और एनडीए में शामिल हो जाते हैं, एनडीए को अपनी सहमति दे देते हैं। इसके बाद से गठबंधन जो है वो एनडीए के ऊपर हमलावर हो जाता है और साफ तौर पर कहता है कि एनडीए और ख़ासकर बीजेपी ऐसी ही सियासत करती है। पूरे मुल्क में बीजेपी इन्हीं तरह की चीज़ों से हुकूमत में बरकरार है, तोड़ मरोड़ करती है, डराती है, धमकाती है, लालच देती है पैसे का। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गठबंधन जो है वो काफ़ी हमलावर दिखा एनडीए के ऊपर, क्योंकि जब से विधानसभा का सेशन चालू हुआ है फ्लोर टेस्ट से लेकर के आज तक जो गठबंधन के विधायक है वो सिर्फ और सिर्फ टूटे हैं और एनडीए में शामिल हुए हैं, एनडीए को अपनी सहमति दी है, जिसके बाद से गठबंधन जो है वो काफ़ी नेगेटिव मोड में आ गया है और एनडीए के ऊपर साफ तौर पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये लोग सिर्फ डराते हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। इन तमाम मामलों पर जब हम लोगों ने बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग अपने दल में बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, जो लोग परिवारवाद का शिकार हो रहे हैं, उनको अहमियत नहीं मिल रही है, उन तमाम लोगों को हमारे बीजेपी में जो है वो इस्तकबाल है, उनका हम लोग कबूल करेंगे उनको और वो लोग बेशक हमारे साथ आ सकते हैं। आपको छोड़े जाते हैं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बयान के साथ। स्टिकर निकालिए, सर को स्टिकर आराम से ले लेंगे। संपर्क अभियान चलाने के बाद 2 से 5 तक चलेंगे, लाभार्थियों चेहरे पर लाभार्थियों तक मिलने के अभियान है। पूरे बिहार में 81 लाख के करीब जो है लाभार्थी। देखिए, मैं बता दूं कि पहली बार देश के अंदर जो गरीबों की चिंता किया, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति के उदय का, उस तक प्रकाश पहुंचाने का, उसके समस्याओं के समाधान के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो भी संकल्प लिए उसको साकार किए, जो गारंटी दिए उसको पूरा करने का प्रयास किए और जो वंचित रह गया है उस तक हम लोगों के माध्यम से वो गारंटी पूरा करने का आगे का अभियान भी है और आज लाभार्थियों से मिल करके उसके भावनाओं को जानने का, उसके अंदर और बेहतर संकल्प को साकार करने की वातावरण बनाने का अभियान शुरू देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को लेकर के हुआ है। हर लाभार्थी के चेहरे पर जो मुस्कान, जो उत्साह, जो संकल्प दिखाई पड़ रहा है यही विकसित भारत, विकसित बिहार बनाने का सपना साकार करेगा। मोदी ने खेला है गठबंधन के नेताओं पर चला है। मोदी ने खेल से पहले विकेट सर लगातार गिरते जा रही है आरजेडी के, आरजेडी विधायकों का। खेला की बात जो कही थी देश ने, लगातार विकेट उनके विधायकों का गिराते जा रहे हैं, जो आपने मिलते जा रहे हैं। देखिए, जब नीयत में खोट हो और जब ये मन के अंदर अहंकार आ जाए कि हम दो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे माता और पिता हैं, माई और बाप का, जिसके मन के अंदर अहंकार आ जाएगा वो अहंकार का नाश ये जनता रूपी भगवान करते हैं और उसकी आभास उनके विधायकों के माध्यम से हो रहा है। उनके विधायक उस परिवारवाद, वंशवादी, भ्रष्टाचारी, जमींदारी मानसिकता से मुक्त हो रहा है। जो विधायकों को सम्मान नहीं करना, विधायिका का हमेशा अपमान और तिरस्कार करना, बंधुआ मजदूर के तरह उसके साथ व्यवहार करना, उस बंधन को तोड़ रहा है। अब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तमाम विकारों से मुक्त होकर, सभी बंधनों से मुक्त होकर, हर विधायक भी चाहता है कि मेरा भविष्य सुरक्षित हो। जनता के प्रति जो वादा करके आए हैं, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और संविधान में जिसको विश्वास नहीं है, जिसको परिवारवाद में विश्वास है, उससे वो मुक्त हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी पार्टी कुछ नहीं कर रही, लेकिन कोई स्वेच्छा से आता है कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हम देश को बिहार को मजबूत करना चाहते हैं तो हर माँ भारती के संतान का हम स्वागत करेंगे जो सबका साथ सबका विकास का महामंत्र लेना चाहता है। और विधायक आने वाले हैं बीजेपी। मैंने कहा है कि देश के अंदर विकसित भारत बनाने का, विकसित बिहार बनाने के प्रधानमंत्री जी का महामंत्र सबका साथ सबका विकास ग्रहण करने का जो भी संकल्प लेगा हम उसको गले लगाएंगे। भारत माता के हर संतान को सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ाने का बिना भेदभाव के महारैली से पहले से टिकट मांग रहे हैं, वादा से बोले ये टिकट मांग रहे हैं, महारैली से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, नीतीश से भाजपा में। अब आपको जानकारी है, हमें जानकारी से पहले से टूट लगातार आइए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।